हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाइन टीच क्लासेस। तो आज की जो क्लास में हम स्पीयरमैन की थ्योरी को देखेंगे। तो फ्रेंड्स चल रही, चलिए देर ज़्यादा देर ना करते हुए अपने थ्योरी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीटेट का पेपर बहुत ही नज़दीक है और आपको जल्द से जल्द मुझे कोर्स को कंप्लीट करना है, यानी कि जो सीडीपी का जो सेक्शन है उसको मुझे कंप्लीट करना है आपको, ताकि आप जल्द से जल्द आप अपनी थ्योरी को कंप्लीट कर सकें। पेडागोजिकल पोर्शन तो मैंने आपको डू और डोंट में बता ही दिया है फ्रेंड्स। तो उसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप पेडागोजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। लेकिन फिर भी मैं फ्रेंड्स आपको कोशिश करूंगा कि पेडागोजिकल क्वेश्चंस जो होंगे मैं सीटेट के पेपर से पहले पहले आपको क्लास में सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं स्पेयरमैन की थ्योरी। तो स्पेयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी है। स्पेयरमैन का द्विकारक सिद्धांत है, जिसे हम टू फैक्टर थ्योरी कहते हैं। उन्होंने दो फैक्टर थ्योरी में मतलब कि टू पॉइंट बताए हैं, यानी जी और एस, यानी जिसे हम सामान्य तत्व कहते हैं। एस यानी जी मतलब होता है जनरल एबिलिटी, और जिसे हम जनरल इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और एस माने होता है विशिष्ट तत्व, जिसे हम विशिष्ट तत्व कहते हैं, यानी स्पेसिफिक एबिलिटी। तो फ्रेंड्स अक्सर क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लेता है कि स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी में मतलब कि जो दो चीज दो फैक्टर जो बताए हैं, उस फैक्टर का मतलब कि जी का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो फ्रेंड्स ये आप जाने रहिए कि जी का मतलब होता है जनरल एबिलिटी। अगर ये जनरल एबिलिटी नहीं लिखा रहेगा तो जनरल इंटेलिजेंस लिखा रहेगा। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक एबिलिटी, ठीक है फ्रेंड्स। आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का उठा के देखिए, आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये छोटी सी थ्योरी थी। तो आज की क्लास में बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।